हैप्पी डे बच्चों, यह है सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह है कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग पूरक पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 स्वप्नों के से दिन पाठ पढ़ने हम जा रहे हैं। पाठ के लेखक का नाम है गुरदयाल सिंह। इन्होंने इस पाठ में सरल एवं सुबोध शैली में इन्होंने अपनी बात को समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। भाषा में उचित किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती है, इस बात को भी उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। आइए ऐसे पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता पंजाबी भाषा के साहित्यकार ये गुरदयाल सिंह ने अपनी आत्मकथा के इस अंश में अपने बचपन की शरारतों और स्कूल की पढ़ाई के दिनों को याद किया है। बचपन में गुरदयाल अपने हमजोली लड़कों के साथ खूब खेल कूद किया करते थे। उबड़ खाबड़ या पथरीली जगहों पर खेलने से उनके कपड़े जगह जगह से फट जाया करते थे, हाथ पांव चोटिल ही जाते थे। घर पहुंचने पर सभी लड़कों को डांट डपट सहनी पड़ती थी। किसी किसी को अभिभावकों की मार भी खानी पड़ती थी, मगर वह बचपन ही क्या जो इतनी सी सजा से डरकर घर में चुपकर बैठ जाए थे। नतीजा यह होता था कि लड़के अगले दिन फिर उन्हीं जगहों पर वही शरारतें करते हुए देखे जाते थे। कई लड़कों को तैरना नहीं आता था, फिर भी तालाब में कूदने से बाज नहीं आते थे। जो कोई लड़का कभी गहने पानी में फंस जाता था, उसे भैंस की पूंछ पकड़कर अथवा उसके सींगों के सहारे किनारे पर आने की सलाह दी जाती थी। उसे किसी तरह किनारे पर लाया जाता था। माता पिता बच्चों को स्कूल में पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे। यहाँ तक कि आड़ दिए और परचुनिए भी अपने बच्चों को पंडित घनश्याम दास के पास बेचकर केवल लंडे पढ़वा कर दुकान की बहियां लिखना सिखवाना भर को पढ़ाई समझते थे। उनका कहना था कि हमें कौन सा लड़कों को तहसीलदार बनाना है, जो कोई स्कूल भेजता भी है वह दो एक मिसाल के लिए। लेखक का बचपन बेहद अभावों और गरीबों में भी था। स्कूल के हेडमास्टर अगर हर साल एक अमीर लड़के की पुरानी किताबें लाकर न देते रहते तो लेखक की पढ़ाई छोटी कक्षाएं पास करके ही समाप्त हो सकती थी। उनका पढ़ना इसलिए जारी रह सकता क्योंकि उनकी पढ़ाई पर साल भर में बमुश्किल एक दो रुपये
खर्च आता था। हालांकि इतनी रकम भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। 1 रुपये में तब 1 सेर घी आया करता था। लेखक को अपने बचपन के साथियों में से होमा अब तक याद है। वह बहुत बहादुर था। लेखक के स्कूल के हेडमास्टर शांत प्रकृति के थे। छात्रों के मददगार थे। वे कभी किसी को सजा नहीं देते थे। देते भी थे तो एक हल्की सी चपत लगाते थे, जबकि पीटी मास्टर बहुत सख्त मिजाज के थे। सभी लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे जरा सी भी चूक होने पर सचमुच काल ही खींच लेते। हालांकि लड़के उनसे डरते थे, मगर वे लड़कों के आदर्श भी थे। उनसे शाबाशी पाना लेखक को फौज में मिले तमंगों से कहीं बड़ी उपलब्धि महसूस होती थी। जब वे स्काउट की ड्रेस पहनकर खुले में लेफ्ट राइट पीटी करवाते थे, तब लेखक सहित सभी लड़कों को बहुत अच्छा लगता था। इन्हें लगता था जैसे ये भी फौजी हो गए हैं। इनकी रियासत राजा मर चुका था। उसका वारिस बाहर पढ़ाई करने आया था। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेजी खेल तमाशे दिखाकर युवकों को फौज में भर्ती होने के लिए रियाजने आए, तब इनकी रियासत से भी कई लड़के फौज में भर्ती हो गए। उस समय तमाशा दिखाने वाले भर्ती हो जा रहे रंगड़ू गा गा कर युवकों को रीझने आते थे। लेखक बचपन में अपनी नानी के घर जाया करते थे, जहाँ उन्हें खूब दूध मलाई खाने को मिलती थी। नानी ढेर सारा दुलार लुटाती थी। छुट्टियों से पहले स्कूल से जो होमवर्क मिलता था, उसे करने का इरादा लगातार टलता रहता था। और जब छुट्टियां समाप्त हो जाने को होती, तब कुछ लड़के तो जल्दी जल्दी काम निपटाने में जुट जाते थे, और कुछ मास्टर जी की मार खाना सस्ता सौदा समझकर तब भी खेल कूद में मस्त रहते थे। एक बार पीटी अध्यापक ने पूरी कक्षा को फारसी का एक पाठ याद करके अपने को कहा। वह पाठ किसी को भी याद नहीं हो सका। अध्यापक ने पूरी कक्षा को मुर्गा बना दिया। तभी हेडमास्टर साहब आ गए। उन्होंने पीटी सर को डांटा और स्कूल से निकाल दिया। पीटी सर ने अगले दिन से स्कूल आना बंद कर दिया। तभी वहाँ हेडमास्टर साहब आ गए। उन्होंने पीटी सर को डांटा और स्कूल से निकाल दिया। पीटी सर ने अगले दिन से स्कूल आना बंद कर दिया। वे अपने किराए के घर में अपने दो फालतू तोतों के साथ दिन
बिताने लगे। जो लड़के उनके घर में आते जाते थे वे सबके सब इस बात को लेकर हैरान थे कि जो पीटी मास्टर उनके साथ इतनी सख्तों से पेश आते थे उन्हें जरा जरा सी बात पर कठोर दंड देते थे। हरदम गुस्से में रहते हैं। उनके मन में इतनी कोमलता और सहृदयता का भी बसेरा है। अपने तोतों के साथ पीटी सर का लाड देखते ही बनता था। इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं सपनों के दिन के माध्यम से उन्होंने अपनी पुरानी आत्मकथा यहाँ पर बताई। इसको पढ़ करके आप लोग जो है लाभ लीजिए बच्चों। धन्यवाद।